भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम आया हूं खरंटी गांव में, यो पेट्रोल पंप है और यार इतने सारे हमारे बुजुर्ग और कुछ हमारे युवा साथी बैठे हैं। इससे बढ़िया लोकेशन तो कितनी मिलेगी नहीं भाई राय लेने की, और पूछ लिया कौन सी सरकार आनी चाहिए क्यों। राम राम जी, पहले माफ दो रहे आ जाऊँ जी मैं, कोई नहीं मुड़ा है ठीक से मार। राम राम जी। राम राम भाई। और जी ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। किसकी सरकार आनी चाहिए क्यों? मैं देखो ऊपर कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, मोदी ने हर तबका नुकसान करे। अच्छा। कोई भी मतलब ऐसा तबका नहीं जिसके बचे, हरिजन से लेकर दुकानदार से लेकर किसान से लेकर बेरोजगार से लेकर भाई, जैसे टैक्सीज में पेट्रोल डीजल में महंगाई के कारण यू आया था, अब विदेश में इतनी महंगाई बढ़ गई, न्यू होगी 57 रुपये डीजल था कांग्रेस के टाइम में, आज 67 रुपये डीजल है। हर एक चीज़ में मतलब मोदी सरकार है। हूँ तो भाई तम मीडिया वाले रही तो को है भाई मोदी सरकार ये सरकार न्यू सरकार लेकिन बात यह है आम आदमी के लिए मोदी सरकार ने बिल्कुल काम नहीं सोचा किसी बारे में भी। कह तो 57 रुपये कांग्रेस के टाइम पे डीजल था, अब 67 हो गया, 5 साल में 10 रुपये बढ़ गया। नहीं मान लिया बात आपकी, 5 साल में बढ़ गया, लेकिन 5 साल में ये देखो ना क्रूड ऑयल कितना सस्ता हो गया। उस टाइम 126, 127, 128 और 130 तो ही क्रूड ऑयल था डॉलर, और आज यू 65-66 हो रहा है, और उसके बावजूद इतना डीजल बढ़ा है, यू पेट्रोल डीजल बढ़े। हाँ अच्छा जी, तो भाई देखो चावा तो वाह, पेट्रोल डीजल खातर हम सरकार चेंज कर दे। नहीं पेट्रोल डीजल खातर क्यों, कोई ऐसे मन बता दिया रे, मजदूर से लेकर और व्यापारी तक मतलब है, अरे किसी आदमी का कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसे नोटबंदी GST भाई ये सारी चीज जो लगा के देखा ना, हाँ तो इस चीज में बिजनेस है, बिजनेस लोग आएंगे सबके ठप हो रही, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री सारी ठप हो रही है। कितना प्रोडक्शन हुआ है देख लियो आप, कोई सा फील्ड में जाके देख लो, सारा कम होता जा रहा है। सारे कांग्रेस के बैठे हैं? नहीं कांग्रेस सारी मतलब सारी पार्टी बैठे हैं। हाँ कोई ऐसी बात नहीं है ना, फिर मतलब कांग्रेस के अंदर फिर मैं डिबेट करूँ और नहीं बैठे फिर ठीक है। ठीक है। राम राम जी किसकी सरकार आनी चाहिए भाई? दीपेंद्र सिंह हुड्डा की आनी चाहिए। दीपेंद्र बढ़िया जी, राहुल बढ़िया भाई, दोनों बढ़िया। हरियाणा का देखे मारा तो राहुल है दीपेंद्र, हरियाणा का तो अच्छा। और देश का है राहुल। ठीक है। राम राम जी। राम राम भाई साहब। कौन सी सरकार क्यों है जी? कौन सी सरकार आनी चाहिए क्यों? मोदी सरकार आनी चाहिए भाई साहब। मोदी सरकार जी। मोदी सरकार क्यों है? क्यों मोदी सरकार देश के लिए बहुत बढ़िया काम करे, बीजेपी सरकार आनी चाहिए। सारी फैक्ट्री बंद होगी कहने लग रहे हैं, अच्छा तेल बढ़ गया, ये बिल्कुल सही बात है। जी। मतलब बीजेपी वालों की सारी फैक्ट्री बंद हो चुकी है। बीजेपी वालों की नहीं, इनकी कांग्रेस वालों की, बीजेपी वालों की गड़बड़ होगी, इनकी दुकान बंद होगी। अच्छा। हाँ जो दौड़े खाकर थे ना एजेंट हो गए हजार दे, चंडीगढ़ में रोज का 10,000 रुपया तो गुड़ खा जा रहे, इतना दिन पड़े हार दे तो योग इसका हाँ घाटा कराया कर दे गवर्नमेंट का, और इसके ऐसी बढ़िया सरकार नहीं है। और हिंदू का तो ये धर्म है, कांग्रेस को वोट दे दी पीपल मुहित दिया तो मैं के हाँ जी ठीक है जी। देखो भाई नहीं एक और बात है, ये जो विचार हैं अपने विचार इसने व्यक्त कर दिए, लेकिन हाँ स्वतंत्र है भाई, कोई किसे करो। देखो जात बात भाई धर्म पे मतलब बीजेपी ने ये देश बांटे है ना, आज तक किसी ने नहीं बांटे। अरे एक और है, हर फील्ड में देख लो, शिक्षा का क्षेत्र में दो आदमी एक ना, नहीं 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 शिक्षा का एक और है, नहीं नहीं आरण की बात नहीं है, एक एक और है आरण की बात नहीं है, तूने समझ ले शिक्षा का क्षेत्र में ला ले और ये 3,000 करोड़ की मूर्ति बनाई के काम आओगी, उसका जितना ही पैसा हो चाइना तक लाया, अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर हुई, हमारे देश में इंजीनियर नहीं थे,
अरे यो मेरिट केस के हिसाब से लगावे हैं। करनाल में देख लिया होगा एक रोडवेज का ड्राइवर ने गदड़ दे बालक कुचल दिया और के रे रे माटी उन छोरिया की बच्चे ही करिए पुलिस ने शिक्षा का क्षेत्र में देख ली। ठीक है मैं अभी एक सेकंड नहीं लूंगा शिक्षा पे मैं आपके पास एक बार शिक्षा गणेश जी ने रह जाओ एक बार शिक्षा पर ये भी आगे बात शिक्षा के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस साल नाश ठाया है। नौवीं ताई कोई बालक पास नहीं हो किसी बिरादरी का हो ठीक नौवीं तक किसी ने पास नहीं करें। नौवीं में बालक हो जाए है थोड़ा घबरू हा वो अपनी सोच में गलत राह ही पकड़ ले है। इन्हें सिर्फ एक ही काम करे टिफिन ठावे और नौकरियां उदान की फैक्ट्री जो बंद हो ने उनमें जावे ये काम कांग्रेस ने कराया है। दस नौवीं तक कोई भी बच्चा फेल नहीं कराया ठीक। और रही जात पात की आपको बता दूँ ये जाटा अगढ़ है यहाँ हमको पिंड जी को सीट दी है ठीक। मेयर के अंदर रोहतक के अंदर पंजाबियों की सबसे ज़्यादा वोट थी लाला जी को वोट दी है। ऐसे ही करनाल के अंदर उसकी तो बिल्कुल तो कहने लग रहा है नॉन जाट वोट ज़्यादा दे दी बट के उड़े है जी इस चीज की बात नॉन जाट कांग्रेस ने भी नॉन जाट को दिया है। अच्छा जी हाँ जी ना 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 अच्छा अच्छा जी बिल्कुल सर मैं तीन पैसे में रुकूंगा जाता हूँ दोबारा घूम के। राम राम जी हाँ जी राम राम। कौन सी सरकार ठीक है जी सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए 1972 के अंदर 71 में बांग्लादेश बना दिया इंदिरा गांधी ने ये तो नहीं कहा था अगर हमने बांग्लादेश कराया फिर भी लोगों ने उसको हरा दिया और आज रिफेल के बारे में और ये स्ट्राइक के बारे में कारगिल के बारे में रोजाना कहते हैं हमने ये कराया सेनाओं ने कराया इन्हें सही बात है जी इन्हें क्या कर दिया और उसका क्रेडिट लेना चाहूँ ये बदमाश है ये बिल्कुल। आपसे पूछूंगा जी इस बात का जवाब मैं राम राम कांग्रेस सरकार जी कांग्रेस सरकार हाँ दीपेंद्र 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 राहुल भी राहुल भी जी ऊपर राम राम जी राम राम भाई साहब भाई साहब मैं भूतपूर्व सैनिक। अच्छा जी ये आज किसी भी चैनल को खोल के देखो जी राष्ट्रवाद और सैनिक जी हमने पुलवामा में किया पाकिस्तान में जाके स्ट्राइक कर दिया विकास के किसी भी मुद्दे पे कोई भी चैनल खोल के देख लो अगर किसी भी भाजपा का कोई बयान आ जाए तो हमें बता दो। दूसरी बात ये है ये कहते हैं कि हम सैनिकों का सम्मान कर दें बार बार यही कहते हैं कि हम सैनिकों का सम्मान कर दें। एक सैनिक ने आवाज़ उठाई थी खाना खराब है उसका कोर्ट मार्शल करके घर भेज दिया आज वो सैनिक बनारस से प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा है। अगर प्रधानमंत्री सैनिकों का इतना ही सम्मान करते हैं तो अपनी सीट उस सैनिक को समर्पित करो कि मैं सैनिकों का सम्मान करता हूं और अपनी सीट जो है वो इस सैनिक को देता हूं। आप किसी दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ो अगर सैनिकों का वास्तव में सम्मान करता है तो अपनी सीट को छोड़ो सारे देश में उसकी वाह वाह होगी कि ये वास्तव में जो है प्रधानमंत्री सैनिकों का सम्मान करता है। उस सैनिक को बेचारे को न तो पेंशन है 21 साल सर्विस करके आया और इसी प्रकार से 26 सैनिक गुजरात में खड़े हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन सबको बनाओ बोलो हम सैनिकों का सम्मान करते हैं बना दो उनको सबको। एक उत्तरी दिल्ली से खड़ा है जिसके दोनों पैर उसमें कट गए 71 के लड़ाई में वो बेचारा अपनी पेंशन के लिए आज तक भी दर दर की ठोकरें खा रहा है उस सैनिक का सम्मान करो उसको बनाओ वहाँ से MP ये है सैनिकों का सम्मान। बिल्कुल सही बात वाह जी वाह राम राम जी राम राम भाई कौन सी सरकार आने चाहिए कांग्रेस के आने चाहिए कांग्रेस राहुल गांधी ठीक आदमी ना ठीक सर और दीपेंद्र वो तो घना बढ़िया है मतलब राहुल गांधी थोड़ा कम बढ़िया हाँ यो ये बता भाई अच्छा अच्छा जी राम राम जी ना पहले माफ थे अच्छा 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 राम राम जी राम राम जी कौन सी सरकार जी और क्यों कांग्रेस सरकार चाहिए कांग्रेस सरकार क्यों चाहिए क्योंकि मतलब कांग्रेस सरकार बढ़िया काम करती है बरादरी बरादरी है एससी कोटे से हुए हैं लेकिन हमारे पशुओं ही गणन की कोशिश कर रही है ताकि ये 2 रुपये किलो के दाने भी खत्म कर दे। अच्छा हाँ ये काम कर रही है BJP और कोई उलाना मौका पड़ा सारे उलाने मतलब कोई भी काम नहीं कर रही। अच्छा हाँ कांग्रेस की सरकार में हमारे 250 मकान बने थे लेकिन अब की बार एक भी मकान नहीं बने यार हमारे पहले के टॉयलेट गिन के ले जाते हैं उन्हें की उड़ाते हैं TV पर। राम राम जी राम राम जी कौन सी सरकार होती सरकार दीपेंद्र हुड्डा और राहुल जी आनी चाहिए जी और कारण ये है मैं एक दिहाड़ीदार मजदूर आदमी हूँ और एक
किस्ता के ऊपर मोटरसाइकिल कटाने चलाया गया, बोले 5 साल का बीमा पहले कराएंगे भाई। ये तो सब गले कर, मतलब गरीब आदमी तो पहले लिया करता, 1 साल का ही कराया कर दे तो उसमें गरीब आदमी तो 10 साल मतलब 10,000 रुपये का 8,000 रुपये फालतू उनका ब्याज देना पड़ा है। एक तो टाइम की टाइम दो, एक फालतू देवे जी। उन तेन कहते 1 साल का करवाना, मेरे 5 साल का। तो कोई नहीं, तो नहीं कर दे जी, नहीं मानते जी। अच्छा। हाँ जी, और फिर जी मतलब महारे तो कोई भी काम नहीं होते सरकार में बीजेपी में। क्या काम होना चाहिए महारे तो शिक्षा के भी नहीं, कोई ऐसे काम नहीं। हर एक चीज़ तो तंगानियों का, मैं न्यू मान लो किम्बे भी करना जाऊँ जो दिल्ली तो माल लेने जाऊँ अपने दिहाड़ी मजदूरी का, उड़ा भी न्यू मान लो GST का GST लाग रही है, बिल तो दे हैं, मतलब बिल बिना दे अंदर GST ला दे हैं, तो ये फायदा तो बड़े व्यापारियों नाम तो मर गए मजदूर आदमी तो जी। सही बात है। दीपेंद्र जी, राम राम भाई, राम राम भाई, भाई साहब कौन सी सरकार? दीपेंद्र हुड्डा भाई। दीपेंद्र बढ़िया वाला का भाई, छवि बढ़िया है, सब तो मिलनसार है, सतीश बराती ना भाई, सबकी बढ़िया नहीं होती। बहुत ही जो देख के भी राजी कौन पब्लिक ने, मजदूर वर्ग ने या मीडियम फैमिली ने, वह तो धोले कुर्ते मिले बड़े बड़े ने मिले। दीपेंद्र हरेक वर्ग है, हरेक इंसान को जो उसके पास आ संतुष्ट करके भेजा। बात करने तो लगता कौन राजनेता है दीपेंद्र है, है। शे बल का जरूरत है राजनेता है तो जरूरत नहीं ना, बिल्कुल घमंड नहीं, जीरो है ना, बिल्कुल ठीक आराम। शरीफ से नेचर, शरीफ से नेचर का, कोई कुर्ते पढ़ ले जोड़ी पढ़ लो किसी ने कुछ नहीं कहना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बरादरी का सम्मान करा। एक बात बताओ, दीपेंद्र जी शरीफ पढ़ा है कि भूपेंद्र जी शरीफ पढ़ा है? भाई शिला मान भूपेंद्र तो दीपेंद्र होया था ना, नो डिप्लोमेटिक नहीं पता। दीपेंद्र बढ़िया है, दीपेंद्र शरीफ है, ऐसा है इतना बड़ा हरियाणा इसको संभालने के लिए कुछ तो कुछ तो सख्त भी होना पड़ा है, कुछ नरम भी होना पड़ा है, ठीक है। दीपेंद्र जी ने एक हल्का संभालना, पूरा देश पूरा हरियाणा संभालना, दीपेंद्र ने ऐसी बात नहीं है, दीपेंद्र ने यो ही हल्का संभाला है या अपना रोहतक लोकसभा क्षेत्र संभाला है, उन्हें पूरा हरियाणा संभाला है, पूरा हरियाणा में चले जाओ दीपेंद्र को कोई गलत नहीं होता है, उन्होंने कहा बढ़िया से बढ़िया। यह इमेज दीपेंद्र जी की कांग्रेस के कारण बनी है या उनका खुद का नेचर है? खुद का नेचर ऐसा उसका, और भगवान की दया 3 बार MP बन गया, चौथी बार बन जाएगा और बढ़िया नेचर बन जाएगा। मोदी लड़ा दे उसका मुकाबला, अरे भाई मोदी सरकार का तो नो बात है। लेकिन जो इतना दीपेंद्र दीपेंद्र हो रही है जो कांग्रेस का, वह सिर्फ मैंने यूं लगा रोहतक में हो रही है कि ना भाई दीपेंद्र ने तो हरियाणा में सारा ही मचा हुआ है ना, मतलब लोकसभा का एक जगह लड़ा, हाँ लोकसभा का एक जगह रोहतक तो लड़ा है, दीपेंद्र ने तो और कितने तो लड़ा लोड़े भी जीत जाएगा। छत्तीस बरादरी का सम्मान करनी नेता एक आधा है, सही बात है। और पूछ ले यार, मेरा तो मनमोहन ये बात ठीक सर, ये मोदी सरकार की पूछ ले का जी। हाँ जी हाँ जी, अपनी बड़ा सास काट लो, खाली बड़ा सास काट ली भाई, देख सारे हम पल्ले भाई। हाँ जी, मोदी सरकार ने इतनी योजना बनाई दी, हजारा योजना बनाई दी, उस उन योजना का तो 90% लोगों का बेरा ही नहीं, योजना सह के शुरू करे तो हुए हैं। या कमी मोदी की है, किसकी कमी है? या मोदी की कमी है, मोदी योजना बनाने से पहले उसको ये दो प्रोसेस में लाओ, उसको समझाओ, उसको बताओ, इंप्लीमेंट तो होता ही नहीं। सेंटर में तो उस योजना के नाम के पैसे आए हैं, लोग आए पास 5% पहुंचे हैं, 95% पता ही नहीं किस तरह है। हजार प्रकार की योजना है कि फसल बीमा योजना, देश का सबसे बड़ा घोटाला फसल बीमा योजना, लोग आए खाते में पैसे काट लिए, ठीक है। हाँ। उसके बाद जहाँ का मंत्री है, मान ले ओम प्रकाश धनखड़ा शिक्षा अपना कृषि मंत्री जी, जज्जर को 2 करोड़ रुपए दे दिए, 3 करोड़ दे दिए, रोहतक सोनीपत और जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट हैं सारे छोड़ दिए, और पैसे कट रहे पूरा हरियाणा के, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2,000 की स्कीम काट दिए, 6,000 रुपये सालाना देंगे, मारे फसल बीमा मत काट गए खाते मत, 2,000 इनके खाते में गिर दिए 5%, वो भी कैसे शोर है, कैसे लगा भैया वहाँ तक काट के उड़ा दीजिए, शोर है भाई मारी मारे 20-20 किले आए गए पानी में तबाह हो जाए, ठीक है। हर बार सर्वे करवाओ हाँ, लेकिन कृषि मंत्री जज्जर का हो गया, जज्जर जज्जर की सोचा मारी कुछ नहीं सोचता, 55-60 हज़ार हर छमाही पैसे कटवाओ हम अपने, लेकिन कोई पैसा नहीं आया आज तक, खूब आया यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में धक्के खा लिए, मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी, भाई एक बार है फॉर्म जमा करा दो पैसे आ जाए तारे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, ठीक है जी। अरे भाई नरे घोटाले हैं कि ई बे घंटा लग जाएगा बताने में, तो ये और रह जाएंगे नरे घोटाले हैं। चलो जी, मारे पीछे काट के मारे भी उल्टे दिन लग रहा है। हाँ हाँ, राम राम जी।
और जी ठीक ठाक है? ठीक है, बाकी सिराने नहीं बैठे ध्याड़े आज मैं राम राम। हाँ जी, किसकी सरकार और क्यों? कांग्रेस। कांग्रेस की? हाँ, बढ़िया दीपेंद्र है। बढ़िया? हाँ, खूब शीला मानस है। जमारा सुधा पावे नहीं इलेक्शन के टाइम पे, वो भी गणेश शुद्धि हो जा रहे हैं। ना 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 युद्ध शुद्धा है भाई, हम तो बनी भी है। और आपने आया था पीछे देखा था जब 7 लाख रुपये मार के शान को इस बार जिन सब भी मुझे सांसद हूँ मैं, फिर भी सांसद हूँ, बोला थोड़ी इज्जत तो कर दो। बोले भाई जब बोले आप अपने हो, बोले ठीक है कर लो, हमने जो करना हो इतना शुद्धा सांसद अपना दो, आपने सब तो शुद्धा सांसद। और पूरी उसमें अपने उसमें 24 में कह लेते पूरा हरियाणा में कह लिए 543 सांसद में सबसे बढ़िया सिलेक्ट हुआ। हाँ ठीक बात भाई, रहे दीपेंद्र आना चाहिए भाई, सीधी बात है, कोई दो तरफा नहीं सीधा भाई। कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस। अच्छा राम राम जी। अच्छा फिर बता दो, उसके भी चलो नहीं बता दे तो। राम राम जी। राम राम। किसकी सरकार? जेजेपी। जेजेपी? हाँ। जेजेपी क्यों? जेजेपी ने चौधरी देवलाल के सपना ने साकार करेगा ये आदमी। ये आदमी युवाओं को रोजगार देगा, बाण बेटियां ने उनकी इज्जत सुरक्षित रखेगा, मान सम्मान बुजुर्गों को देगा। जितने भी चौधरी देवलाल ने जितने भी काम करे देने सारे साकार करेगा। सारी योजनाएं देवलाल ने बनाई है तो बढ़ाने चल रहे, जैसे पिलसन बना दी और कुछ कर दिया, सारे चौधरी देवलाल ने करिए। और ये सरकार जितनी सारी घोटाला सरकार है, सारी टोटल भाजपा भी, कांग्रेस भी। लेकिन कांग्रेस के अंदर इसके अंदर आदमी है कुछ व्यक्तिगत वो नहीं, लेकिन कांग्रेस जो सरकार है या भी घोटाले की है और वो भाजपा भी घोटाले की। कांग्रेस में दीपेंद्र ठीक है? चलो ठीक व्यक्ति, हम क्यों कह उसने भूपेंद्र व्यक्तिगत, व्यक्तिगत जो आदमी है ना उसको नहीं करना, लेकिन सरकार जो सरकार है ना ये सारी घोटाले, इतने घोटाले हो गए 10 साल में, इसमें बहुत गणित भाजपा ने है किसान के लिए। तो मतलब तो जेजेपी हम बर्त के देखेंगे, जेजेपी ने बर्त के देखेंगे। जेजेपी यहाँ जो है जितने भी युवा सारे दुष्यंत के साथ है, और मैं मलके के अंदर डटवाए डटे फिर बोल लिए, मैं मलके के अंदर जो है जितना भी विकास जितने भी रोजगार मिला है जितना सारा चौधरी देवलाल की टीम का। अच्छा हाँ, तो दुष्यंत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक नंबर। जो दूसरी दूसरा परिवार है जो चौटाला साहब का दूसरा परिवार, चौटाला तो आप लिए पार्टी के सारे ना दो इकट्ठे थे जब तो ठीक थे, तो नहीं मुख्यमंत्री बने जावर इकट्ठे होंगे तो। हाँ फिर 2000 सरकार अब भी आएगी, आएगी बिल्कुल भाई, छोरा इतना है। हाँ जी, जैसे ट्रैक्टर का टैक्स लगाओ दे, उसने जितने भी सवाल पार्लियामेंट में शोर न करे, किसी ने एमपी ने नहीं करे हिंदुस्तान के अंदर। मैं एक जगह पूछूं था जी भाई, दीपेंद्र और दुष्यंत के बारे में, माजी दुष्यंत ने ज़्यादा सवाल जवाब करे हैं, उनकी ज़्यादा प्रेजेंटेशन रही है, फिर यूँ बोले कि भाई सवाल सवाल करने देखे उन पर खरी तो नहीं उतर पाई, दीपेंद्र ने ज़्यादा सॉल्व करवाई है प्रॉब्लम। देखो अच्छे हैं ये, मतलब नुहाई करना तो ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ में है, ये तो कह के इसके है ना सकी सलाह देश के। तो ठीक बात है बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। कांग्रेस सरकार जी। कांग्रेस की भाई जमींदारा का गंडा लिख देना, 200 क्विंटल किला लिखे हैं, किला पाओ 400 क्विंटल सरसों की खरीद कर देना, जमींदारा ने तंग कर रखे हैं, इन्हें पानी नहर छोड़ूंगा बिना, कदे 13 दिन का हफ्ता कर दें, कदे 5 दिन का हफ्ता कर दें, इसलिए हम तो कांग्रेस सरकार से सहमत हैं। सहमत हो? सहमत। पूरे हरियाणा में दीपेंद्र के बारे में को हुआ बात? दीपेंद्र नहीं, पूरा हरियाणा में, पूरे हरियाणा में, रोहतक में दीपेंद्र के कुछ हाल लग गए जी। बहुत बढ़िया छोरा है और सारे काम में अव्वल करा है और सबकी 36 बिरादरी की सुना है। हाँ जी बस भाई, मैं एक भाई भाई पीपल का जकरा करा था, उसका दे दूं कि मुझे करा दे दो नु के मैं रोकूंगा पीपला छोड़ दे, नहीं एक देना चाहिए जवाब, अरे देना चाहिए राजेश, अरे कहेगा मतलब सुन ले, पीपला अपना देवता मानेगा है, जिस भाई ने ये शब्द कह दिए वो मान लो सब तरला दर्जा का है, पीपल के बारे में जब मुंह में कुछ भी लेकर गया ना वो तरला दर्जा आदमी है, बस इतनी ये कहना चाहूंगा। ठीक है। और बीजेपी में कांग्रेस में फर्क देख गया हुआ तू, बीजेपी वाले किस डाल बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले किस डाल बोल रहे हैं, इन जातिवाद तो और न्यारा कोई बात नहीं। अच्छा रही बात अरविंद का पहला बयान आनंद शर्मा का, की है जातिवाद का है, क्या कहे मैंने जातिवाद, रोहतक नु फूक दिया, नु फूक दिया, ये फूक दिया, किसने फूक दिया भाई, चलो उस तक पूछ दो किसने फूक दिया, एक बंदे जातिवाद है नहीं है, हमने अपना जो इलेक्शन के टाइम पर सारा गांव इकट्ठा हुआ था, सारी बरादरी आदि इकट्ठी करके गई थी भाईचारा पहले में भाई, गांव में जाकर पता कर सको सारा गांव इकट्ठा था, सारी बरादरी थी उसमें, सारा नाथ ठाक नु गई थी वह पहले भाईचारा और फिर दूसरा काम है। ठीक बात। अरनू गई थी कोई सिर्फ दूसरी बरादरी थी,
कि मैं कुछ कह दिया तो पहले मारती को हो गया बात, या सारा गांव मजाक तसली कर सको, ये भाई बैठे हैं ये इंदो पता कर लियो जाए गांव कट्ठा ना, मतलब अपने आंदोलन माड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं मड़ा भी नहीं, को जातिवाद नहीं कि मैं भाईचारा सही था, इन नेता ने खंडा रखा है जा आपस में सो काम पड़े वो एक दूसरे दे इन न मार दे पड़े हमने इन ते पड़े आज मैं इस पेट्रोल पंप पाऊंगे जाति देख के थोड़ी ना आऊंगा। हाँ नेता के बारे में बोल रहा मैं, जो नेता जातिवाद के बारे में ये भाई बैठे जो पीपल पेपर का जगह कर पीपल तो जी बड़ा मजा है यहाँ के सर्वे में। अच्छा 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 राम राम जी, राम राम जी, कौन सी सरकार ठीक है? सरकार तो सारी बढ़िया है जी, फिर बहुजन समाज पार्टी से अच्छी कोई सी पार्टी नहीं लग दी हमने। क्यों कर लग गया बात यार, सब कदा काम करने जावे ही है गरीब। ठीक बात प्रैक्टिकल है जी, सही बात है, सही बात है जी, सबसे ताल्लुक ठीक रखें जी, जी जी, और ही डाल के मुंजिया के भी बिना पैसे काम कर बात तो प्रैक्टिकल है भाई, बात तो सही है।